सीजीआई ने दिया था अडानी घोटाले की जांच का जिम्मा। सुंदरेशन को जज बनाने पर मोदी सरकार ने साधी चुप्पी। सीजीआई चंद्रचूड़ से मोदी सरकार ने ले लिया बदला। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर मोदी सरकार सीजीआई चंद्रचूड़ आमने सामने है, कोई भी झुकने को तैयार नहीं। देश की तमाम केंद्रीय एजेंसियां मोदी के चरणों में नतमस्तक है, लेकिन सीजीआई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है। साफ तौर पर कह दिया, न्यायपालिका में हस्तक्षेप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। वहीं मोदी सरकार अपने मनमाफी जजों को सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट में बिठाना चाहती है। कॉलेजियम की तरफ से कई बार जजों और वकील के नाम भेजे गए जिनको हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है, लेकिन मोदी सरकार उन फाइलों पर बैठी है, उस नाम पर मुहर नहीं लगा रही। अडानी मामले में जब मामला पकड़ा तो मोदी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जब सीजीआई चंद्रचूड़ के पास मामला पहुंचा तो एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में एक वकील को शामिल किया। वकील से मोदी सरकार को खुन्नस क्यों है? आखिर उस वकील के फाइल पर मोदी सरकार क्यों बैठी है? हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। आखिर वो वकील है कौन, कि कैसे मोदी सरकार ने सीजीआई चंद्रचूड़ से अपना बदला ले लिया, उससे पहले गुजारिश है चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मोदी सरकार को बर्दाश्त नहीं अपनी आलोचना, मोदी सरकार को पसंद नहीं अपनी आलोचना, अपने आलोचकों को नहीं बख्शती है मोदी सरकार। एक वकील ने मोदी सरकार की आलोचना की थी, मोदी सरकार के खिलाफ कुछ लिखा था। जब वकील के जज बनने की बारी आई, कॉलेजियम ने वकील के नाम की सिफारिश की तो केंद्र की मोदी सरकार ने वकील के नाम पर आपत्ति जता दिया। वकील के नाम की दोबारा सिफारिश की गई और इस बार कॉलेजियम की सिफारिशों पर मोदी सरकार कुंडली मारकर बैठ गई। दोबारा सिफारिश के बावजूद भी मोदी सरकार ने एडवोकेट को जज की नियुक्ति नहीं दी। एडवोकेट को मोदी सरकार की आलोचना का खामियाजा भुगतना पड़ा है। कॉलेजियम की सिफारिश के बाद भी केंद्र ने नहीं की नियुक्ति। बम्बई हाईकोर्ट के वकील सोमशेखर सुंदरेशन को जज नियुक्त करने की कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 6 महीने बाद भी अपनी स्वीकृति नहीं दी है, जबकि इसी हाईकोर्ट में नियुक्ति के लिए मई में कॉलेजियम ने जिन 3 नामों की केंद्र से सिफारिश की थी उनकी नियुक्ति की अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी गई। शैलेंद्र प्रमोद ब्रह्मा, फिरदोश फिरोज पूनावाला और जितेंद्र शांतिलाल जैन को हाईकोर्ट का जज नियुक्त कर दिया गया। सुंदरेशन की नियुक्ति की सिफारिश कॉलेजियम ने पिछले साल की थी, लेकिन केंद्र ने उसे अपनी आपत्ति के साथ वापस भेज दिया था। सरकार की आलोचना बन रही नियुक्ति में बाधा। इस साल 18 जनवरी को कॉलेजियम ने सुंदरेशन के बारे में केंद्र की आपत्ति को खारिज करते हुए दोबारा उनके नाम की सिफारिश की थी। कॉलेजियम ने कहा था केंद्र की कुछ नीतियों की सुंदरेशन द्वारा की गई आलोचना को उनके हाईकोर्ट जज बनने की राह में बाधा नहीं माना जा सकता, पर पहले की सिफारिश के लंबित रहते केंद्र सरकार ने मई में की गई सिफारिशों को स्वीकार कर में कोई बदलाव नहीं आने का संकेत दिया। कॉलेजियम में दोबारा सिफारिश पर केंद्र सरकार को मानना अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से कहा था नियुक्ति में सिफारिश की तारीख को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पहले की गई सिफारिश को देर से मंजूर करने से व्यक्ति की वरिष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कानून के अनुसार कॉलेजियम अगर किसी नाम की दोबारा सिफारिश करता है तो केंद्र उसे मानने के लिए बाध्य है। सुंदरेशन को हाईकोर्ट जज बनाने की सिफारिश मुंबई हाईकोर्ट कॉलेजियम ने अक्टूबर 2021 में की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने फरवरी 2022 में अपनी स्वीकृति देते हुए केंद्र को सिफारिश भेजी थी। लेकिन नवंबर 2022 में केंद्र ने उनकी फाइल को अपनी कुछ आपत्तियों के साथ पुनर्विचार करने के लिए कॉलेजियम को वापस भेज दिया था। केंद्र को कॉलेजियम की सिफारिशों पर कुंडली मारकर नहीं बैठना चाहिए। कॉलेजियम ने तो इस व्यवस्था की आलोचना की है कि भेजे जाने वाले नामों में से केंद्र कुछ को रोक लेता है और कुछ पर अपनी सहमति दे देता है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ में एक इस मामले की सुनवाई करते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण से कहा था कॉलेजियम सोच विचार के बाद ही नाम भेजता है और केंद्र को उसकी सिफारिशों पर कुंडली मारकर नहीं बैठना चाहिए। सीजीआई चंद्रचूड़ से मोदी सरकार ले रही बदला। सोमशेखर सुंदरेशन की पहली सिफारिश के बाद जब मोदी सरकार ने जज के रूप में नियुक्ति नहीं की, उसके बाद अडानी मामले की जांच का जिम्मा जो है वो सोमशेखर सुंदरेशन को दिया गया, उस कमेटी में शामिल किया गया और उसकी खुन्नस भी खाई बैठी है। और ऐसा लगता है कि सीजीआई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार के बीच की लड़ाई का शिकार बन चुके हैं सोमशेखर सुंदरेशन।